Hi friends, here I am. I am back with yet another requested video and it's all about my hair color journey. Yes, आज मैं अपने जो भी मेरे हेयर कलर का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मैं वो आप लोग से शेयर करने वाली हूँ. अच्छा कलर बहुत बहुत टाइम से करा रही हूँ बट मैं वो पुराना मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस याद नहीं है. वो इट वॉज ओके मीडियम एक्सपीरियंस बट जो मेरा रिसेंटली एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ. सो मैंने जो कलर कराया था अपनी शादी के बाद फर्स्ट कलर कराया था 2015 में एंड वो कलर था मैंने नीचे से मैंने ब्लेंड करा दिए थे अपने गोल्डन कलर करा दिए थे नीचे के बालों को और ऊपर से मैंने हाइलाइट्स करवा दिए थे. तो उसने मुझे बोला था कि आपके जो हेयर हैं वो ख़राब नहीं होंगे, जबकि मैंने उससे पूछा था कि मेरे हेयर ख़राब तो नहीं हो जाएंगे इस कलर से. तो उसने मुझे बोला कि नहीं, आपके हेयर जो है नहीं ख़राब होंगे. देन उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है मेरे हेयर बहुत नीचे से ड्राई रफ ख़राब से होने लग गए. तो 2015 में आई थिंक मैंने 2015 के एंड में मैंने अपने हेयर को जो है बिल्कुल कलर हटवा दिया था, सारा का सारा कलर हटवा दिया क्योंकि वो मेरे बाल जो थे वो बहुत ज़्यादा ड्राई रफ ख़राब से होने लग गए थे. तो दिसंबर में 2015 दिसंबर में मैंने अपने बालों को ब्राउन कलर करा दिया और मैंने ग्लोबल कलर करा दिया और मैंने उसको बोला मुझे ऐसा कलर चाहिए कि वो दिखे कि हमारे बालों पे कुछ हो रखा है कलर, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो हेयर का कलर है वो ब्राउन कलर है. तो उसने मुझे बोला कि हाँ आपके हेयर में वो कलर दिखेंगे. सो मैं कन्विंस हो गई कि ठीक है दिखेंगे, कह रहा है तो दिखेंगे. तो मेरे पहले कलर किए थे नीचे का हाफ ग्लोबल कलर कराया था उसमें वो उसका जो कलर आया था वो बहुत अच्छा लगा था. काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था, कॉम्प्लीमेंट्स किया था कि वो कलर बहुत अच्छा लग रहा है. तो मुझे लगा शायद ये सेकेंड टाइम मुझे अच्छा करेगा, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा था कि वो बाल मेरे जो थे वो पूरे एक तरीके से नीचे से ख़राब हो गए थे, जल गए थे और दो मुँह बहुत ज़्यादा हो गए थे. सो मैंने फुल ग्लोबल कलर करा दिया अपने पूरे हेयर पे ब्राउन कलर का और मैंने जो उसको कलर सेलेक्ट किया उसने दूसरा कलर मुझ पे कर दिया जो कि डार्क कलर था और वो नहीं दिख रहा था मेरे हेयर पे. जब मैं बहुत ज़्यादा लाइट में जा रही थी तब दिख रहा था और वो भी बहुत ही कम दिख रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा था. तो मुझे आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दैट कलर. देन मैंने कृति डिसाई, यस कृति डी एस करके उनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है एंड FB पे भी पेज है कृति डिसाई डी एस करके. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहूँगी ये कोई पेड वीडियो नहीं है, उन्होंने मुझे कोई वीडियो बनाने के लिए पैसे नहीं दिए, किसी ने भी नहीं दिए, मैं खुद से बना रही हूँ. मैं आप लोग ने मुझे मेरा एक्सपीरियंस मांगा है हेयर कलर के लिए, मेरी जर्नी मांगी है, तो इसलिए मैं आप लोग से उसको शेयर कर रही हूँ. एड देखा और मेरे को उनका मेकअप वगैरह तो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, मुझे उनके मेकअप ब्राइडल्स बहुत अच्छे लगते हैं ऑनेस्टली. तो उनका मैंने ये ऐड देखा कि कलर के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट उन्होंने डाला हुआ था इंस्टाग्राम पे और कॉल किया और उनसे अपॉइंटमेंट लेके मैं 2016 लास्ट ईयर उनके पास गई थी. मैं ग्लोबल कलर कराने ही गई थी क्योंकि मेरा मैं हाइलाइट्स बहुत बार करा चुकी थी, तो फ्रेंडली स्पीकिंग मेरे को बहुत मन था कि मैं ग्लोबल कलर ही कराऊँ. तो मैं ग्लोबल कलर ही कराने गई थी और जो मेरे हेयर पे कलर हो रखा था उससे लाइट कलर में उनसे करवाने गई थी कि मेरे हेयर पे दिखे अगर मैं ग्लोबल कलर करवा रही हूँ. तो जब मैं उनके पास गई तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं मेरे लिए ही एक नया पार्लर था, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया हुआ था उनके पास कुछ भी. उनका पार्लर बहुत अच्छा है, वहाँ का स्टाफ जो है बहुत बहुत हम्बल और बहुत अच्छे स्टाफ्स हैं वहाँ के, सब लोग बहुत अच्छे मुझे लगे. इनफैक्ट कि मुझे ग्लोबल कलर कराना है तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैम अगर आप ग्लोबल कलर कराते हैं तो हो सकता है आपके बाल जो है वो ख़राब हो जाए नीचे से दोबारा से. हैव सजेस्टेड मी टू गो विद दैट हाईलाइट्स ग्लोबली हाईलाइट. उन्होंने मुझे बोला मैं इतना ज़्यादा ग्लोबल हाईलाइट कर दूंगा आपके हेयर पे कि आपको लगेगा कि आपने हेयर कलर कराया हुआ है, मतलब ग्लोबल हेयर कलर कराया हुआ है.
और वो बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपके हेयर पे। और आपने जो ये ग्लोबल कलर कराया है उसके अकॉर्डिंग मैं कर देता हूँ ताकि वो मिक्स एंड मैच लगे और वो बहुत बढ़िया लगे। तो न्यू थे मेरे लिए तो मैं उनको बार बार यही बोली जा रही थी कि प्लीज़ 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 अगर आप ये कर रहे हो तो अच्छा करना और बहुत ज़्यादा ग्लोबल करना, मुझे ग्लोबल चाहिए, मुझे ग्लोबल चाहिए। उनको मैंने उनका ये आई थिंक बोल बोल के दिमाग खा लिया था। सो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आप आराम से बैठो, हम आपको जो करके देंगे आप वो देखो। उन्होंने उसके बाद जब मेरे को कलर करके दिया, मुझे वो कलर बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। कलर भी उन्होंने सजेस्ट किया और जो कलर उन्होंने मुझे दिखाया था वही कलर आया और वो कलर बहुत अच्छा था। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कृति डीएस करके जो पार्लर है ये पीतमपुरा दिल्ली में है पार्लर, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा हेयर कलर के लिए आजकल डील्स निकल रही हैं। अभी भी आई थिंक उनके पास कोई डील निकली हुई है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो मस्ट गो देयर और एक बार ट्राई करा के देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा जब दिल्ली जाऊँगी तो आई थिंक मैं दोबारा ये कराने वाली हूँ। अगर आप हेयर कलर कराना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी अच्छी जगह से ही कराइएगा, ऐसे किसी लोकल जगह पे मत जाइएगा, क्योंकि हेयर को अगर वाइट हो गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आप पे जा रहे हैं आपको सबसे पहले देखना है कि वो कैसा पार्लर है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, और साथ ही साथ वो कैसे केमिकल कैसे कलर्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं वो कैसे कलर्स यूज़ कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जो है आपके हेयर पे ब्लीच अप्लाई कर देते हैं और आपको बोलते हैं आपका हेयर कलर हो गया। ये था फ्रेंड्स मेरा एक्सपीरियंस और ये मेरी थी जर्नी अबाउट दिस माय हेयर कलर। और सीरियसली स्पीकिंग मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे को कौन सा हेयर कलर लगाया था, बट आई थिंक ये गोल्डन ब्लंड करके कलर था वो उन्होंने लगाया था। तो आप अगर वहाँ जाते हैं तो वो खुद आपको बताएंगे कि आप पे कौन सा कलर सूट करेगा। आप अपनी भी राय दे सकते हैं कि मुझे ये कलर चाहिए, ये कलर करवाना है, बट वो भी आपको आप पे क्या कौन सा कलर सूट होगा वो भी आपको सजेस्ट करेंगे वहाँ जाके। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपकी और भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी और लुक ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। Bye!